आदिवासी जिले झाबुआ में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में सबसे आगे पत्रकार हैं और उसी पत्रकार का अस्तित्व अब झाबुआ जिले में खत्म होता नजर आ रहा है। महज दो दिनों में दो पत्रकारों पर जानलेवा हमला और उनके परिवारों पर हमले की घटना निकलकर सामने आई है। झाबुआ जिले के मेघनगर थाना क्षेत्र के दो पत्रकारों के साथ गंभीर घटना हुई है, जिनमें दलालों और माफियाओं ने मिलकर पत्रकारों के साथ मारपीट कर उन्हें झूठे प्रकरण में जेल तक भिजवा दिया है। रात करीब 9:30 बजे मेघनगर स्थित पत्रकार के घर पर पथराव हुआ। पथराव में परिवार के लोग भी घायल हुए। मामा शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर बयान और कानून के बारे में बात कही है, लेकिन धरातल पर पत्रकारों की सुरक्षा की कोई तवज्जो नहीं दे रहे। आज झाबुआ जिले के मेघनगर में स्थानीय पत्रकारों ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम थाना प्रभारी मेघनगर को ज्ञापन दिया, जिसमें स्पष्ट तौर पर पत्रकारों की सुरक्षा और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री से मांग की है। वहीं बढ़ते रेत माफिया और कालाबाजारों का पर्दाफाश करने वाला पत्रकार संकट में घिरा है। ऐसे में देखना होगा कि झाबुआ जिला प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई करते हैं। पत्रकार एकता जोर जुल्म की टक्कर में पत्रकारों पे बार बार जब भी ऐसे हमले होते हैं गलत है, और जो भी है प्रशासन को उचित कार्रवाई करना चाहिए समय समय पर कि ये बार बार रिपीट नहीं हो इस तरह की घटनाएं। संघ की मांग है कि भैया ये कार्रवाई होना चाहिए और उनको जो भी अपराध किया है उन पर सख्त कार्रवाई हो। लगातार हम देख रहे हैं कि पत्रकारों पर कहीं ना कहीं पत्रकार अपने पत्रकारिता के दरमियान कहीं भी जाता है या कोई वीडियो बनाता है या कोई न्यूज़ कवरेज करता है तो कोई ना कोई माफिया हो या जिससे भी तकलीफ हो अपने बिजनेस को लेकर के होती है तो पत्रकारों के खिलाफ़ कुछ न कुछ विरुद्ध कार्रवाई या मारपीट या ये चला करता है। ये गलत है। इस तरह से चौथे स्तंभ को परेशान करना, चौथे स्तंभ के खिलाफ़ मारकूट करना आखिर में जनता के तक सही बात पहुंचाने का एक जरिया है और इसे आप लुप्त करना चाहते हो तो ये कदापि नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उनके द्वारा जो पत्रकार हित में जो नियम कानून बनाए गए हैं उसे सुरक्षा की दृष्टि से नीचे मतलब धरातल पर लागू किया जाए, यही नियम।